प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सोच को स्थापित करने हेतु पटना जंक्शन पर भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने और बिहार पर्यटन को विकसित करने के लिए पटना के गार्गी हॉस्टल ने यात्रियों के आरामदायक सुविधा के लिए गार्गी एग्जीक्यूटिव लॉन्च एवं फूड कोर्ट की शुरुआत की। पटना जंक्शन को आधुनिकतम स्टेशन के दायरे में लाता है, जो भारत के अन्य महत्वपूर्ण मेट्रो शहरों की तुलना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसकी शुरुआत डीआरएम एवं मिसेज डीआरएम, एडीआरएम एवं मिसेज एडीआरएम फर्स्ट कस्टमर के रूप में उपस्थित होकर करेंगे। बता दें कि पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गार्गी एग्जीक्यूटिव लॉन्च एवं फूड कोर्ट की शुरुआत की है, जिसमें यात्रियों को सफर के दौरान प्रतीक्षा करने और फ्रेश होने से लेकर फूड की एवं टेक अवे काउंटर भी सुविधा होगी। गार्गी एग्जीक्यूटिव लॉन्च एवं फूड कोर्ट में यात्रियों की सूचना के लिए कई तरह के आधुनिक व्यवस्था एवं सेवा की भी व्यवस्था की जाएगी। ये परियोजना बिहार के पर्यटन को विकसित करने के लिए उत्कृष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ एक अभियंता श्री आर के सिंह के दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और विचार प्रक्रिया के कारण अस्तित्व में आई। ये लॉन्च सभी आधुनिक उपकरणों और गैजेट से लैस है, जो यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाता है और जहां बिना किसी अधिक बोझ के यात्री आराम कर सकते हैं या प्रस्थान से पहले और ट्रेनों के आने के बाद खुद को तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए पटना से गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और जिस तरीके से बनाया गया कि आम रेलवे के अदर जो आउटलेट्स हैं, आप उनके बनिस्पत आपको फील होगा कि इट इज ए वेरी लग्जरी एंड प्रीमियम। हर रेलवे से सफर करने वाले लोग भी महसूस करें कि हम भी एयरपोर्ट के तर्ज के लॉन्च की तरफ बैठते हैं, जाते हैं, और उनके आने जाने के समय में आप उनके खाने के लिए भी टेक अवे की फैसिलिटी काउंटर्स बाहर लगाए गए हैं कि आप कभी भी हाइजीन फूड की क्वालिटी अच्छी मिले। और हर तरीके की मतलब लोग जब कभी छोटे मोटे उनके वस्तुएं अगर सोवेनिया शॉप पर किसी का पेस्ट, किसी का साबुन कुछ छूट गया, तो उसके लिए व्यवस्था दी गई है कि हर फैसिलिटी उनको यहाँ पे मिल सके।